बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, खत्री ब्रदर्स के चैनल से आपको मोहम्मद आसिफ अब्दुल रज़ाक खत्री का सलाम पहुंचे। आज हम बोलते एमसीक्यूज फर्स्ट ईयर कॉमर्स में अकाउंटिंग के हिस्से में कैश बुक के टॉपिक की बात करेंगे, यानी आज हम एमसीक्यूज कैश बुक की बात करेंगे कराची बोर्ड के लिए। कैश बुक के एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं। कैश बुक में पहला एमसीक्यू, द बुक्स इन विच द डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एज दे प्लेस फ्रॉम डे टू डे इन अ क्लासिफाइड मैनर आर नोन एज। वो किताब जिसमें तफसीलात कारोबारी वाकयात की रिकॉर्ड की जाती है जैसे वो रोज की बुनियाद पर आते हैं, उन्हें शोबे और दर्जे के हिसाब से जो दर्ज किया जाता है वो किस किताब में, सब्सिडियरी बुक्स ज़ेली या मातहत किताबों में, वाउचर बुक्स में, रिकॉर्डिंग बुक्स में या रिसिप्ट्स बुक्स में। तो वो तमाम कारोबारी वाकयात जिनकी तफसीलात को रोज़ाना की बुनियाद पर शोबे और दर्जे बनाकर पेश किया जाता है वो किस किताब में। द राइट आंसर इज सब्सिडियरी बुक्स, ज़ेली या मातहत किताबें। ज़ेली या मातहत किताबें हम दरअसल उन किताबों को कहते हैं जो मेन किताबों को सपोर्ट देने के लिए और उनके ऊपर लोड और प्रेशर को कम करने के लिए बनाई जाती हैं। जैसे हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट्स पेबल मेन अकाउंट्स हैं, लेकिन ये बहुत सारी पार्टीज से मिलकर बनते हैं, तो हम उनके लिए अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडियरी लेजर और अकाउंट्स पेबल सब्सिडियरी लेजर बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम कैश के बर्डन को रिलीज करने के लिए कैश बुक बनाते हैं, जो एक तरह से मेन अकाउंट्स पर प्रेशर को कम करने के लिए एक सब्सिडियरी बुक कहलाएंगे। अगला एमसीक्यू हमारे पास है, ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन। तमाम कैश की वसूलियां और कैश की अदायगियां रिकॉर्ड की जाती हैं सेल्स बुक में, परचेज बुक में, कैश बुक में या रिकॉर्डिंग बुक्स में। तो आपको पता होना चाहिए कि सेल्स बुक मर्चेंडाइज गुड्स के क्रेडिट उधार पर सेल करने के लिए बनाई जाती है, परचेज बुक में मर्चेंडाइज या गुड्स को ऑन क्रेडिट उधार पर परचेज करने के लिए ये बुक बनती है, लेकिन ये जो कैश बुक होती है वो कैश की तमाम वसूलियां और कैश की तमाम अदायगियों के लिए इस्तेमाल होती है। आपको पता होना चाहिए कि एक वन कॉलम कैश बुक होती है जिसमें सिर्फ कैश का आना और जाना रिकॉर्ड होता है, फिर उसके बाद टू कॉलम होगी जिसमें कैश और बैंक दोनों का आना और जाना होगा, और फिर थ्री कॉलम कैश बुक होती है जिसमें कैश, बैंक और इनके साथ डिस्काउंट कॉलम, जैसे कि रिसिप्ट साइड पर सेल डिस्काउंट और पेमेंट साइड पर आपका परचेज डिस्काउंट मौजूद होता है। तो तमाम कैश की वसूलियां और कैश की अदायगियां रिकॉर्ड होती हैं, राइट आंसर कैश बुक में। तीसरा एमसीक्यू है, द बुक इज इश्यूड टू रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट परचेजेस आर कॉल्ड। वो किताब जिसमें तमाम उधार की खरीद को रिकॉर्ड किया जाता है, उधार की माल की खरीद को रिकॉर्ड किया जाता है, परचेजेस से मुराद है सामान्य तिजारत माल जिसे मर्चेंडाइज या गुड्स कहा जाए, उसकी उधार की खरीद को रिकॉर्ड करते हैं। तो यकीनन आप सही हैं कि जी माल की उधार खरीद के लिए जो किताब बनती है उसका नाम है परचेज बुक। तो पहला ऑप्शन ही सही है, परचेज बुक। परचेज रिटर्न बुक, कैश बुक और क्रेडिटर्स बुक रॉन्ग है, तो लिहाजा राइट आंसर है परचेजेस बुक। फोर्थ एमसीक्यू में कहा गया, ऑल द ट्रांजैक्शंस, तमाम कारोबारी वाकयात रिलेटेड टू क्रेडिट सेल जो उधार की सेल के मुतालिक होते हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है सेल्स रिटर्न बुक में, सेल्स बुक में, कैश बुक में या डेटर्स बुक यानी मकरूजों की किताब में। तो राइट आंसर, तमाम वाकयात जो उधार की सेल के होंगे वो यकीनी तौर पर सेल्स बुक में या जिसे सेल्स जर्नल कहा जाता है उसमें रिकॉर्ड होगा। तो सेल्स बुक इज द राइट आंसर। नंबर फाइव में कहा गया, दोज ट्रांजैक्शन, वो तमाम कारोबारी वाकयात फॉर विच, जिनके लिए
देयर इज नो सेपरेट बुक, कोई अलहदा किताब नहीं होती, उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है कहाँ? जनरल जनरल में, बिल रिसीवेबल बुक में, बिल्स पेएबल बुक में या कैश बुक में। तो जी मेन जो रिकॉर्डिंग बुक होती है वो तो जनरल जनरल ही होती है, उसे हम जब सब्सिडियरी बुक्स दे देते हैं जैसे परचेज जनरल, परचेज रिटर्न जनरल, सेल्स जनरल, सेल्स रिटर्न जनरल, पेटी कैश बुक, कैश बुक, ये जब सब्सिडियरी बुक्स बन जाती हैं तो फिर इसके बाद इन किताबों के अलावा के वाक़यात जनरल जनरल में चले जाते हैं। लेकिन जब ये MCQ पूछा गया कि वो तमाम वाक़यात जब कोई अलहदा किताब ना बनाई गई हो, तो लाजमी सी बात है उस वक्त सारे कारोबारी वाक़यात जनरल जनरल में जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपका पहला किताब बनाने का जो टॉपिक था वो जनरल जनरल था, और उस जनरल जनरल में आपने तमाम ही वाक़यात को रिकॉर्ड किया, तो उस वक्त आपकी कोई सब्सिडियरी बुक नहीं स्टार्ट हुई थी। तो जब सब्सिडियरी बुक नहीं बनाई जाती, कोई सेपरेट बुक्स नहीं बनाई जाती, तो उस वक्त तमाम कारोबारी वाक़यात जनरल जनरल ही में रिकॉर्ड किए जाते हैं। जनरल जनरल यानी आम किताब, अकाउंटिंग की फर्स्ट बुक। नेक्स्ट आपसे MCQ कहा गया, MCQ नंबर 6, सब्सिडियरी बुक्स आर कॉल्ड बुक्स ऑफ सब्सिडियरी यानी जेली और मातहत किताबें, मेन किताब की मातहत किताबें जो होती हैं वो क्या होती हैं? ओरिजिनल एंट्री, सेकेंडरी एंट्री, टेम्प्ररी एंट्री या बेसिक एंट्री को प्रेजेंट करती हैं। तो आपको मालूम है कि जो आपका जनरल जनरल है वो बुक ऑफ प्राइम एंट्री या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहलाती है। सब्सिडियरी बुक्स भी यकीनी तौर पर इन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड कर रही होती हैं, लिहाजा ये भी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री ही कहलाएंगी। तो सब्सिडियरी बुक्स बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री ही कहलाएंगी। नेक्स्ट आपके पास 7th में कहा गया, प्रैक्टिकली अमली तौर पर कैश बुक एक सब्स्टिट्यूट यानी मुतबादिल होती है, नेमुल बदल होता है, कैश बुक इस्तेमाल होता है नेमुल बदल के तौर पर कैश अकाउंट का, किस में? जर्नल में, लेजर में, ट्रायल बैलेंस में या पैटी कैश बुक में। तो याद रखिए जब हम कैश बुक बना लेते हैं तो फिर लाजमी सी बात है कैश बुक में कैश के आना जाना, उसका बैलेंस सब कुछ हो जाता है, और ये सब काम जर्नल लेजर में किया जाता है। तो जब आप ऐसा करते हो कि कैश बुक बनाते हो तो फिर आपको जर्नल लेजर में कैश का अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती। तो ये एक किस्म का सब्स्टिट्यूट मुतबादिल होता है कैश के अकाउंट का लेजर में। तो राइट आंसर आपके पास बी ऑप्शन, लेजर। नंबर 8 में कहा गया, व्हेन कैश इज रिसीव्ड, जब पैसा वसूल होता है फ्रॉम अ डेटर, एक मकरूज से, मकरूज से पैसा आता है आपके पास अकाउंट रिसीवेबल पर, या उसे हम कस्टमर भी कह सकते हैं। कस्टमर का मतलब वो शख्स जिसे हम माल बेचते हैं और जिससे हमें पैसा वसूल करना होता है। तो जब कैश वसूल होता है मकरूज से, या कस्टमर यानी जिस ग्राहक से हमें पैसा वसूल करना है उससे अकाउंट रिसीवेबल पर, तो जनरली आमतौर पे एक रिसिट या कैश मेमो इशू किया जाता है डेटर मकरूज को, उसे क्या कहते हैं? रिसिट वाउचर, पेमेंट वाउचर, कैश वाउचर या कैश रिसिट। तो यहाँ चूँकि आप पैसा वसूल कर रहे हैं तो जिससे पैसा वसूल करेंगे उसे वसूली की स्लिप बना कर देंगे। वसूली की इस स्लिप को ऑप्शन नंबर डी यानी कैश रिसिट के नाम से पुकारा जाएगा। तो राइट आंसर है कि कैश रिसिट। नंबर 9 में कहा गया, व्हेन मनी इज पेड, जब रकम को अदा किया जाता है टू अ क्रेडिटर, एक कारिज को, कर्ज देने वाले को, कर्ज देने वाला हमारे लिए अकाउंट्स पेएबल होगा, और जब हम अकाउंट्स पेएबल वाले को या सप्लायर जो हमें माल फराहम करता है और जिसका पैसा हमें अदा करना होता है उसे जब हम रकम अदा करेंगे, अ रिसिट इज ऑब्टेन, तो एक वसूली या एक रसीद ऑब्टेन हासिल की जाएगी फ्रॉम हिम, उस शख्स से, उसे क्या कहा जाएगा? दोबारा सुन लीजिएगा कि जब आप रकम अकाउंट्स पेएबल पर कर्ज देने वाले को, माल फराहम करने वाले को अदा करते हो तो उससे जो रसीद लेते हो उस रसीद को क्या कहेंगे? रिसिट वाउचर, पेमेंट वाउचर, कैश वाउचर या पेटी कैश वाउचर? और सही जवाब है पेमेंट वाउचर, यानी आप उससे जो रसीद लेंगे वो दरअसल पेमेंट वाउचर होगा कि आपने उसको पे कर दिया है। अ डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज, एविडेंसिंग, सबूत पेश करती है कैश की रिसिट, कैश की वसूली के लिए, और कैश की पेमेंट
कैश की अदायगी के लिए एंड फॉर्मिंग और वो कायम करती है द बेसिस, एक बुनियाद फॉर मेकिंग एंट्रीज, जिससे हम अकाउंटिंग के दाखिले किताबों में कर सकें, कैश बुक में कर सकें, उसे क्या कहा जाएगा? रवानी से मैं कुछ यूँ कहूँ कि एक ऐसा सबूती दस्तावेज जो कैश की वसूली और अदायगी की दाखिलों को रिकॉर्ड करने का बाइस बनता है, उस कैश बुक के अंदर उसे क्या कहेंगे? रिसिट वाउचर, पेमेंट वाउचर, कैश वाउचर या कैश मेमो? तो याद रखिएगा, जब आप कैश की वसूली और अदायगी करते हैं और कैश बुक में उसे रिकॉर्ड करते हैं, तो हर एक को सपोर्ट करते हैं आप कैश वाउचर से। जी हाँ, कैश वाउचर कैश की अदायगियों और वसूलियों का एक बुनियाद बनता है और उसके एक सबूत के तौर पर पेश किया जाता है कि किसको अदा किया, किससे वसूल किया। सिंगल कॉलम कैश बुक इस्तेमाल होती है क्या रिकॉर्ड करने के लिए? कैश की ट्रांजैक्शंस को, सिर्फ कैश और बैंक दोनों की ट्रांजैक्शंस, कारोबारी वाकयात को रिकॉर्ड करने के लिए, या कैश बैंक और डिस्काउंट के कारोबारी वाकयात के लिए, या इनमें से कोई नहीं? यकीनी तौर पर वन कॉलम कैश बुक होगा तो उसमें सिर्फ कैश का कॉलम होगा और वो सिर्फ कैश के कारोबारी वाकयात को जो है वो रिकॉर्ड करने के लिए होगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, कैश ट्रांजैक्शंस ओनली। नंबर 12th एमसीक्यू है, द डबल कॉलम कैश बुक मेक्स द रिकॉर्ड ऑफ। अब जब डबल कॉलम की बात होगी तो यकीनी तौर पर कैश के साथ अब बैंक भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो अब ऑप्शन में जाकर देखें तो आपको बी ऑप्शन नज़र आता है, जहां कैश और बैंक दोनों ही की ट्रांजैक्शंस नज़र आती हैं। तो कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। द ट्रिपल कॉलम कैश बुक मेक्स द रिकॉर्ड ऑफ। अब वो तीन कॉलम के कैश बुक की बात करता है। तीन कॉलम की कैश बुक में कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों चीज़ें होंगी। तो हमारे पास ऑप्शंस के अंदर जो सी ऑप्शन है, कैश बैंक और डिस्काउंट ट्रांजैक्शन, वो सही जवाब है। कहा गया डिस्काउंट डिडक्टेड, डिस्काउंट की जो कटौती की जाती है, डिस्काउंट जो काटा जाता है फ्रॉम द कैटलॉग और लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस से दर्ज शुदा कीमत से जो डिस्काउंट काटा जाता है उसे क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कैटलॉग डिस्काउंट या क्रेडिट डिस्काउंट? एंड द राइट आंसर इज ट्रेड डिस्काउंट। तिजारती रियायत, बातचीत के जरिए हासिल होने वाली जो रियायत होती है उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। जैसे दुकानदार के पास गए, जाकर पूछा, भाई ये मशीन कितने की? उसने कहा 1,00,000 रुपए की। हमने कहा, भाई ये तो बड़ी महंगी है, तुम कुछ रियायत कर दो। तो हम जानते हैं कि लेने वाला भी पाकिस्तानी है, बेचने वाला भी पाकिस्तानी है, उसे मालूम है कि बारगेनिंग के बगैर तो यहाँ लोग चीज़ लेते नहीं हैं। तो उसने कीमत में यकीनी तौर पर कुछ परसेंट रखा हुआ होगा, वो ये परसेंटेज आपको छोड़ देगा, उसे कहेंगे ट्रेड डिस्काउंट, तिजारती रियायत, वो रियायत जो बातचीत के ज़रिए हासिल की जाती है। इसके बाद नंबर 15 में कहा गया, इफ़ अ पर्सन पे हिज डेट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, द रिसिपियंट मे ग्रांट हिम एन अलाउंस फॉर डूइंग सो, दिस अलाउंस इज नोन एज। उर्दू में कहा जाए कि अगर एक शख्स अदा करता है अपना कर्जा अपने ऊपर वाजिब तारीख से पहले पहले, तो जो शख्स अदा कर रहा है पैसे को, उसको एक अलाउंस, रियायत मिलेगी जल्दी पैसे अदा करने के सिलसिले में। इस अलाउंस या रियायत को क्या कहा जाएगा? तो ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कैटलॉग डिस्काउंट या क्रेडिट डिस्काउंट? तो अगर उसने अपना कर्जा ड्यू डेट से पहले ही अदा कर दिया तो उसे कहा जाएगा कि उसने कैश पर कैश देने का डिस्काउंट लिया और उसे कहा जाएगा कैश डिस्काउंट। कुछ लोग इस पर थोड़ा सा सोच सकते हैं कि नहीं जी, ये तो ड्यू डेट अगर आ गई तो इसका मतलब ये उधार डीलिंग होगी, और उधार डीलिंग होगी तो ये क्रेडिट डिस्काउंट हो सकता है। तो याद रखिएगा, क्रेडिट डिस्काउंट के लिए बाकायदा क्रेडिट टर्म होती है कि 2/10 n/30, कि 2% रियायत मिलेगी अगर आप विद इन 10 days पेमेंट कर देंगे एक ऐसा उधार जो टोटल 30 days का है। तो ऐसी सूरत में फिर आप विद इन द रेंज ऑफ डेज पेमेंट कर देते हो तब वो क्रेडिट डिस्काउंट होता है, जबकि अगर आप ड्यू डेट से पहले ही पहले रकम दे देते हो तो वो कैश डिस्काउंट कहलाएगा। इफ एन अमाउंट इज एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट एंड द एग्जैक्ट अमाउंट इज अगेन एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द सेम अकाउंट,
इट इज कॉल्ड। अगर एक रकम दाखिल की जाती है डेबिट साइड पर एक अकाउंट में और इतनी ही रकम दोबारा दाखिल की जाती है क्रेडिट साइड पर उसी अकाउंट में, तो उसे क्या कहेंगे? कंटीजेंट एंट्री, यानी किसी वाक्य से मशरूत जुड़ी हुई एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री, एक दूसरे को मुतजाद उलट एक दूसरे को काटने वाली एंट्री। कंपाउंड एंट्री या डबल एंट्री। और राइट आंसर होगा कॉन्ट्रा एंट्री, यानी एक जगह से पैसा गया एक जगह दोबारा वहीं आ गया। इस तरह के वाकयात, यानी ऐसे वाकयात जहां एक जगह से पैसा गया दूसरी जगह पैसा आया, इन वाकयात को कॉन्ट्रा एंट्रीज कहा जाता है। और कैश बुक में कॉन्ट्रा मुतजाद वाकयात आमतौर पर ये होते हैं कि आपने बैंक अकाउंट को खोला, ओपन बैंक अकाउंट किया, ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी। फिर आप चेक या कैश बैंक में जमा करवाते हैं तो वो एक कॉन्ट्रा एंट्री होती है। या आप विथड्रू निकालते हैं कैश बैंक से फॉर बिजनेस यूज़, या आप ऑफिस यूज़ के लिए कैश विथड्रू करते हैं, ये भी एक कॉन्ट्रा एंट्री होगी। याद रहे कि चेक आए और उसी दिन आप उसे बैंक में जमा करवा दें तो ये कोई कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी, डायरेक्ट बैंक अकाउंट आते हुए दिखाया जाता है। नेक्स्ट 17 में कहा गया, द बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम इन कैश बुक इंडिकेट्स। वो बैलेंस जो डेबिट साइड पर बैंक कॉलम में कैश बुक के होता है वो क्या जाहिर करता है? टोटल अमाउंट विदड्रॉ की गई बैंक से, टोटल अमाउंट डिपॉजिट हुई बैंक में, कैश बैंक में कितना पड़ा हुआ है और कैश इन हैंड। तो अगर बैलेंस डेबिट साइड पर बैंक कॉलम में पाया जाता है कैश बुक के, तो वो कैश एट बैंक को जाहिर कर रहा होगा, कैश इन हैंड को नहीं, कैश एट बैंक को, क्योंकि बैंक कॉलम शो हो रहा है। तो कैश एट बैंक इज द राइट आंसर। बैलेंस कैश कॉलम में हमेशा क्या होगा? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस और नन ऑफ द अबव। इस एमसीक्यू से एक आइडिया देखें ऐसा बनता है कि हम एक बात जानते हैं कि जो हमारा बैंक अकाउंट है ये एक एसेट है। बैंक में हम अकाउंट खोलते हैं, एक एसेट होता है, डेबिट बैलेंस रखता है। लेकिन फिर ऐसा होता है कि बैंक के साथ हमारी डीलिंग हो, बैंक को हम पर एतमाद और भरोसा हो जाए, तो बैंक हमें इजाज़त देता है कि आप विद द परमिशन ऑफ बैंक एक ख़ास हद तक अपने अकाउंट को ज़ीरो होने के बाद नेगेटिव में चला सकते हैं, जिसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। जब हमारा बैंक अकाउंट बैंक ओवरड्राफ्ट की शक्ल में चल रहा होगा तो इसका मतलब है हमने विदड्रॉ ज़्यादा अमाउंट कर ली है डिपॉजिट करने के मुकाबले में, इसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाएगा। और अब बैंक अकाउंट एक एसेट नहीं होगा, लाइबिलिटी होगा, और अब उसका क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास बैंक अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस होता है, लेकिन जो कैश होता है वो तो आएगा हमेशा ज़्यादा, जाएगा मैक्सिमम उतना जितना आया था। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कैश आए कम जाए ज़्यादा, लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो कैश कॉलम है उसका बैलेंस हमेशा सिर्फ डेबिट होगा, यानी एक एसेट के तौर पर ही कैश का बैलेंस होगा। तो डेबिट बैलेंस इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला हमसे कहा गया कि डिस्काउंट कॉलम कैश बुक का टोटल किया जाता है, जबकि बैंक और कैश कॉलम को बैलेंस किया जाता है, क्यों? तो पहला ऑप्शन है कि डिस्काउंट कॉलम रिप्रेजेंट रफ वर्क को करते हैं। डिस्काउंट कॉलम नेचर ऑफ मेमोरेंडम अकाउंट से, या वो रिप्रेजेंट एक्सपेंस करते हैं, या वो जो है वो इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाजमी सी बात है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूँ कह सकते हैं कि डिस्काउंट कॉलम को सिर्फ टोटल इसलिए किया जाता है, बैलेंस नहीं किया जाता, कि जो डिस्काउंट कॉलम है वो नेचर वाइज मेमोरेंडम अकाउंट है, यानी एक तरह से सिर्फ इत्तला में लाने के लिए, नोटिस में लाने के लिए अकाउंट्स होते हैं। तो इसलिए इन अकाउंट्स को मेमोरेंडम नेचर का होने की बिना पर सिर्फ टोटल किया जाता है, जबकि कैश और बैंक अकाउंट को बैलेंस किया जाता है। कैश बुक बुक कीपिंग रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करता है तमाम रिसिट्स और पेमेंट्स को कैश में, तमाम कैश और क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स को, तमाम क्रेडिट और कैश परचेज ऑफ गुड्स को, या सिर्फ कैश की पेमेंट्स को। और राइट आंसर है कि ऑल रिसिट एंड पेमेंट इन कैश, यानी कैश बुक में हम वो तमाम रिकॉर्ड रखते हैं जिसमें तमाम वसूलियां और अदायगियां कैश की सूरत में होती हैं।
कैश डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है प्रॉम्प्ट पेमेंट फौरी अदायगी करने पर, सेल करने पर, परचेज करने पर या लिस्ट प्राइस पर। तो यकीनी तौर पर कैश डिस्काउंट फौरी अदायगी करने पर हमें मिलता है, तो कैश डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट। कैश अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल है, बोथ रियल एंड पर्सनल है। तो मैं आपको पहले बयान करके बता चुका कि हमारे पास रियल अकाउंट से मुराद होता है एसेट अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से मुराद है लाइबिलिटीज एंड कैपिटल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट से मुराद होता है एक्सपेंसेस एंड इनकम अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को हम टेम्पररी अकाउंट्स भी कहते हैं, वक्ती अकाउंट्स जो कि एक्सपेंस है इनकम के अकाउंट होते हैं। तो अब आप देखते हैं कि कैश एक असेट है और असेट सारे जाते हैं रियल अकाउंट में, तो कैश एक रियल अकाउंट है। कहा गया डिस्काउंट अकाउंट क्या है? तो डिस्काउंट अकाउंट्स सेल डिस्काउंट होता है, परचेज डिस्काउंट होता है, और ये एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट्स हैं। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये हमारे नॉमिनल अकाउंट है। वैसे तो मैं आपको टेक्निकल जबान में ये बात कह सकता हूँ कि सेल डिस्काउंट दरअसल सेल्स का कॉन्ट्रा अकाउंट है, यानी ये कॉन्ट्रा इनकम अकाउंट कहलाएगा, और परचेज डिस्काउंट जो है वो दरअसल परचेजेस का कॉन्ट्रा अकाउंट है, यानी कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट है। तो इस हिसाब से वैसे बाय नेचर ये एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड करते हैं, इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट्स होंगे। कहा गया अ कॉन्ट्रा एंट्री इज वन, एक कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है व्हिच डज नॉट रिक्वायर पोस्टिंग टू द, एक कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है जिसको ज़रूरत नहीं होती कि उसे आप पोस्ट करें कहाँ, जर्नल में, लेजर में, कैश बुक में, या नन ऑफ द अबव, इनमें से किसी में नहीं। तो कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है जिसे लेजर में पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका आंसर है राइट लेजर, क्योंकि हम जब कैश बुक बना रहे हैं तो कैश और बैंक अकाउंट दरअसल जनरल लेजर में कैश और बैंक के अकाउंट का मुतबादिल है। अब जब एक कॉन्ट्रा एंट्री बन रही है तो उसमें पोस्टिंग कैश और बैंक की सिर्फ हो रही है, तो कैश और बैंक तो जो है वो एक रिप्लेसमेंट दे ही रहा है ना कैश बुक, तो इसलिए आपको लेजर में ये पोस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अ कॉन्ट्रा एंट्री अपेयर्स ऑन बोथ साइड ऑफ, एक कॉन्ट्रा एंट्री अपेयर्स जाहिर होती है दोनों साइड पर, किसके, जर्नल के, कैश बुक के, ट्रायल बैलेंस या सेल्स बुक के। तो यकीनी तौर पर एक कॉन्ट्रा एंट्री जाहिर होती है दोनों साइड पर कैश बुक, तो कैश बुक इज द राइट आंसर। बैंक अकाउंट विल शो, बैंक अकाउंट क्या शो करता है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। तो हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बैंक अकाउंट जब एसेट होता है तो डेबिट बैलेंस के तौर पर पेश होता है, और जब वो एक ओवरड्राफ्ट होता है यानी हमने विदड्रॉ ज्यादा रकम कर ली होती है डिपॉजिट करवाने के मुकाबले में बैंक की परमिशन के साथ, तो उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, और उस वक्त बैंक अकाउंट एक लायबिलिटी कर्जा होता है, तो उस वक्त उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। इसका मतलब बैंक अकाउंट का डेबिट एंड क्रेडिट दोनों ही किस्म के बैलेंस हो सकते हैं। तो इसने कहा है कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, या डेबिट या क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट, यानी बैंक अकाउंट जो है वो शो करता है डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस। तो ये दरअसल समझिएगा कि ए और डी है ना, इसमें पेपर सेट करने वाले ने ये और एंड का जो काम किया हुआ होता है ये बाज़ोकात आपको कंफ्यूज करता है। तो बड़े गौर से समाप्त फरमाइएगा कि बैंक अकाउंट शो करता है बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, यानी वो डेबिट पर भी होता है और क्रेडिट पर भी होता है। कैश बुक क्या है? सब्सिडियरी जर्नल है, सब्सिडियरी जर्नल एंड लेजर अकाउंट है, लेजर अकाउंट है, सब्सिडियरी जर्नल या लेजर अकाउंट है। और राइट आंसर है कि ये सब्सिडियरी जर्नल भी है और लेजर अकाउंट के तौर पर भी काम कर रहा होता है। तो यहाँ हमने हमारी कैश बुक के एमसीक्यूज को मुकम्मल किया, तमाम ही कैश बुक के या तमाम ही एमसीक्यूज की सीरीज जो हमने आपके लिए लेकर आए हैं, जैसे इससे पहले अकाउंटिंग थ्योरी, जनरल अकाउंटिंग इक्वेशन, जनरल लेजर, ये इससे पहले हो चुके, और अब आपके सामने यहाँ कैश बुक है। तो इस तरह की तमाम ही वीडियोज़ एक सीरीज़ के साथ हमने आपके लिए बनाकर रखी हैं आपकी एक मुकम्मल प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आपने इससे पहले का कोई पार्ट नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी तरह ये जो 27 MCQs हैं तो उनमें
आप अटेम्प्ट करने से पहले ज़रूर ये बात चेक करें कि आपके कौन कौन से आंसर्स ठीक रहे और कौन से आंसर रॉन्ग रहे, और उसे कमेंट में लिखिए ताकि हमें भी पता चले कि हमें व्यू करने वाले कितने लोगों के कितने MCQs ओके राइट हैं और कितने ऐसे हैं जिन्होंने उनको नया जाविया दिया, नई नॉलेज दी, नया सिलसिला काट दिया। इस चैनल से जुड़े रहिए इंशाल्लाह अज़ीज़, न सिर्फ अकाउंटिंग बल्कि स्टेटिस्टिक्स, बिजनेस मैथ, उर्दू, दीगर सब्जेक्ट्स, इन सब के MCQs भी आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपके सामने लेकर आएंगे इंशाल्लाह। तो ये चैनल आपको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ प्रोवाइड करेगा, न सिर्फ खुद देखिए बल्कि अपने दोस्तों को, वाकिफकारों को, जानने वालों को ज़रूर ज़रूर इसके मुतालिक बताइए, क्योंकि नेकी और सदके जारिया होता है। जितने लोग भी नॉलेज गेट करेंगे यकीनी तौर पर ये खत्री ब्रदर्स के चैनल के लिए बाई से इफ्तिखार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।